कि हमारी आम जनता जो है प्राइवेट अस्पतालों में जब जाती है तो वो भारी, कुछ कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो भारी अर्थदोहन करते हैं। तो भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए और एक टैरिफ तय करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के क्रम में नहीं ले सकता है। तो ये इसके लिए भी कानून भारत सरकार को बनाकर राज्य सरकारों को भेजना चाहिए। अभी मैं गया था, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, तो मैंने देखा कि प्रेस में जो चीज़ों का मैंने उल्लेख किया या जो उनसे बातचीत हुई, जो चर्चा पर चर्चा हुई, उसका बड़ा एक छोटा चीज़ आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रेस तक नहीं पहुंचा। पता नहीं हमारे लोगों का ये था या आपके वहाँ के लोगों ने संवाद नहीं दिया। तो एक हमने बहुत पुरजोर तरीके से मीटिंग में आवाज़ उठाई है कि भारत सरकार को हमारे झारखंड के मेडिकल के बच्चों के नामांकन संबंधी व्यवधान को समाप्त करना चाहिए और छोटी छोटी त्रुटियां लगाकर हमको जो है हमारे छात्रों की परीक्षा को नहीं रोकना चाहिए। और ये मैंने मंत्री जी से इस पर जो है गहरा जो है दुख व्यक्त किया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमने कहा कि देखिए, इतनी छोटी छोटी बात नहीं होनी चाहिए जिससे जो है हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य, आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग को सबल बनाना है स्वास्थ्य को, तो सबल कैसे बनेगा जब हमारा डॉक्टर ही नहीं होगा। आज हमारे पास जो है सारे चीज़ों की कमी हो रही है, डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो बहुत सारे, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस पर हम लोग। दूसरा, मैंने उनसे प्रार्थना किया कि जो हमारे यहाँ 40,000 सैया बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, उनका जो मानदेय है वो बहुत ही कम है और उनका मानदेय बहुत कम है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि उसका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जो है स्वास्थ्य की दिशा में गांव के गरीब ग्रामीणों तक अपना स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का वो काम करती हैं, तो इसलिए उनका मानदेय ये बहुत ही ज़्यादा कम है। 2,000 रुपये का कोई मतलब नहीं बनता है। और नहीं, मैंने कहा है, मैं तो बोल रहा हूँ इनको कम से कम 10,000 करना चाहिए भारत सरकार को, लेकिन 2,000 पर मैंने गहरी आपत्ति व्यक्त की है। और हम लोग अपने विभाग की तरफ से भी अभी एक बैटरी चलित स्कूटी वगैरह कुछ निकली है, तो हम अपने राज्य सरकार की तरफ से हम एक प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं भारत सरकार को कि हमारी जितनी सैया बहनें हैं उन लोगों को ये सुविधाएं बहाल की जाए, ताकि जो है वो बेहतर से बेहतर गरीब ग्रामीण को स्वास्थ्य सेवाओं में उनको मदद पहुँचा सकें। ठीक है, दूसरा है, हमने चाइल्ड वैक्सीन और बूस्टर डोज, चूँकि अभी देखने में मिला है कि केरल बोलता है हम 100% वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 100 लोगों में 17 लोग जो है एक एक ज़िले में निकल रहे हैं, कोविड के फिर से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो हमने प्रार्थना किया कि भाई बूस्टर डोज का क्या हुआ, बूस्टर डोज जो है ये किया जाए। दूसरा, हमने उनसे ये भी कहा कि जब आप कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया करना है, तो फिर ये 60 और 40 वाला पॉलिसी क्यों रहेगा भाई? आप 60 रुपया केंद्र सरकार देगा, 40 रुपया हमारा रहेगा। तो हमने कहा कि जो भी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं वो योजनाओं को 90-10 के रूप में आप परिणित कीजिए। कुछ केंद्र सरकार दरिया दिल्ली दिखाए कि जो है 90-10 की योजना लागू हो, तब ना राज्य का जो है, और ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत को जो है यहाँ से लॉन्च किया, तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना को किस इसी सोच के साथ लॉन्च किया, और ये हमारा गरीब स्टेट है, तो ये 90-10 की योजना पर हमने कहा कि तब तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ मिलेगा। फिर हमने ये भी उनसे निवेदन किया कि आयुष्मान भारत योजना में जो 5 लाख रुपया तक का आप इलाज कराते हैं वो काफ़ी नहीं है इसमें, और इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं, उन त्रुटियों को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम भेक टाइप का है कि अस्पताल में जाता है आदमी तो वहाँ उसे पैसा भी ले लिया जाता है और इसका लाभ भी ले लिया जाता है। तो इसमें हमने उनसे ये भी प्रार्थना किया कि हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, हम डॉक्टरों के सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमको इस बात की भी चिंता है कि हमारी आम जनता जो है प्राइवेट अस्पतालों में जब जाती है तो वो भारी, कुछ कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो भारी अर्थदोहन करते हैं। तो भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए
और एक टैरिफ तय करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के क्रम में नहीं ले सकता है। तो ये इसके लिए भी कानून भारत सरकार को बनाकर राज्य सरकारों को भेजना चाहिए। और हमने ये भी कहा है, उनसे प्रार्थना किया कि ये वैक्सीन को पॉलिटिकल एंगल से स्वास्थ्य विभाग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवा का विषय है। इसका राजनीतिकरण नहीं हो कि जो है कि 100 करोड़ डोज दिए हैं, अब मार जो है अभी फ़ोन पे उसी का गुणगान हो रहा है। तो राजनीति का विषय नहीं है स्वास्थ्य विभाग। यदि आप हम सारे लोगों को बुलाए हैं और बुलाकर यदि चिंतन मंथन कर रहे हैं तो हमारी भावनाओं से भी आपको अवगत होना चाहिए। वैक्सीन वितरण में भी हमारे राज्य को जो है बीच में उसको प्राथमिकता नहीं दी गई और उसके खिलाफ में गलत अफवाह फैलाई गई थी, इसका भी हम लोगों ने वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज की। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी प्रार्थना किया है कि कोविड की जांच और टीबी की जांच को एक साथ जोड़ के कराइए, ताकि हमारा जो है दोनों एक ही नेचर के, देयर आर नॉट बेसिकली डिफरेंसेस, बोथ आर सेम। सो हमने ये प्रार्थना किया कि भाई आप जो है जब दोनों एक ही तरह की प्रॉब्लम है तो इसको भारत सरकार ये कर दे कि भाई कोविड और जो है टीबी दोनों को एक साथ जाँच हो। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिस पर हमने मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित की बात रखी है। और आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथी भी झारखंडी हैं, तो मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि हमारी भावना जो हमने केंद्र सरकार के साथ रखी है, वो भावना जो है भारत सरकार तक जो है हमें आम जनता तक जो है पहुँचाई जाए। जी, और उसमें कुछ कुछ तय है वो लोग का, मतलब कुछ कुछ रेट भी तय है। मतलब आप ये समझिए कि वो कितना भी करने के बाद 2000 से वो ज़्यादा नहीं ये कर पाती है। मतलब एक उस बहुत चीज़ों का दर निर्धारित है कि ये आप यदि मान लीजिए कि कोई हमारी बहन प्रेग्नेंट है, उसको यदि वो ला रही है गांव से ला कर उसको इलाज करवा रही है और फिर उसको ये कर रही है, तो उसमें शायद 500 रुपया या ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ पैसा तय है। मतलब कुल मिला के यदि लब्बो लबाव में कहा जाए तो 2000 तक वो लोग कमाने पाती हैं, जो मेरे समझ से ये बहुत कम है। और हमारे यहाँ 40,000 सैया बहनें हैं और आशा वर्कर हैं। देखिए ऐसा है, हमारा सबसे पहला अभी कर्तव्य है कि COVID-19 के अभी नए नए वेरिएंट फिर से सुनाई देने लगे हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि हम सभी लोग अपने अपने धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और झारखंड सरकार किसी की भी धार्मिक भावना को आहत करके नहीं चलेगी। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी हम लोगों ने छठ पर बहुत अच्छे से सभी झारखंड के लोगों ने मनाया है, इस बार भी हम लोग मनाएंगे। और जो दुर्गा पूजा के जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन होगा, लेकिन हम ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत उसको और ढीला ढाला किए हैं, ताकि जो ये रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन वही धार्मिक पूजा पाठ को देखते हुए किया गया है। नहीं, सेंटीमेंट से क्यों, हम तो सेंटीमेंट पर ही ना सरकार बनी है। झारखंड का सेंटीमेंट सरकार के साथ है, तभी ना हम लोगों को जनता ने लाया है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and